press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश बना हुआ है। उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद बन गई है। ऐसे में कई दिग्गज विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। इस दिग्गज नेताओं में सर्वाधिक चर्चा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को लेकर है। अजमेर से सांसद रहे पायलट पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। वहीं पायलट ने अपने एक हालिया ट्वीट में लिखा था कि अगर पार्टी की लीडरशिप चाहेगी तो वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले संभावना थी कि पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे और केवल प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, लेकिन कुल 17 सीटों पर उपचुनाव में बढ़त मिलने के बाद अब पायलट के भी विधानसभा चुनाव लड़ने के आसार हैं। सचिन पायलट किस विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ेंगे ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन उनकी सीट को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। इनमें टोंक और अजमेर जिले की नसीराबाद विधानसभा सीट भी शामिल है। टोंक में गुर्जरों के अलावा मुस्लिम भी खासी तादाद में हैं। वहीं नसीराबाद सीट भी गुर्जर बाहुल्य है, पायलट इसी समुदाय से आते हैं। वहीं भरतपुर जिले के नगर से भी उनके लड़ने की संभावना बताई जा रही है। उधर अलवर लोकसभा से जितेंद्र सिंह ने उपचुनाव नहीं लड़ा था और राहुल गांधी के करीबी इस दिग्गज नेता की सहमति से डॉक्टर करण सिंह यादव को टिकट दिया गया, लेकिन अब उनके भी अलवर शहर से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। समर्थकों में इसे लेकर चर्चाएं बनी हुई है। वहीं अलवर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सैनी ने तो हाल ही व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐसी सूची वायरल की थी जिसमें 70 संभावित नामों में पायलट और जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। उधर यह चर्चा भी जारी है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात से राज्यसभा भेजा जा सकता है। 23 मार्च को 16 राज्यों के 58 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। गुजरात में कांग्रेस चुनाव प्रभारी का जिम्मा हाल ही गहलोत ने ही संभाला था। यहां पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और राहुल गांधी अनुभवी नेता अशोक गहलोत को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि गहलोत खुद इसके लिए कितने इच्छुक होंगे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से सीएम के संभावित नामों में पायलट के अलावा गहलोत का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। बहरहाल आने वाले दिनों में यह तस्वीर और साफ हो जाएगी।